कार सिस्टम के जैसा इसका ब्रेक पैडल है और क्लच पैडल है। इसका ये असली साइड शिफ्ट गियर है पीसीडीसी लीवर के साथ में, और हमारी कंपनी ने कंपनी फिटेड जो है ये ट्रॉली लीवर लगा रखा है। जब ट्रॉली आप चलाएंगे तो आपको डीसी और पीसी को नहीं छेड़ना है, आप इसी से यूटिलाइज करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर कावा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां आपको फार्मिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती है। फिलहाल दोस्तों आज हम लोग जानेंगे मेसी फर्गुसन के 7250 DI, जो कि 50 रेंज के ट्रैक्टर है, और इसकी विशेषताओं के बारे में विशेष जानकारी के लिए मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ भैया। हेलो किसान भाइयों नमस्कार, मैं आशुतोष पांडे, मेसी परिवार की तरफ से बहुत सारा ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आज मैं 7250 मेसी फर्गुसन 7250 पावर अप के बारे में मैं आप लोगों को विशेष जानकारी दूंगा फुल ड्राइव करने के बारे में। ये ट्रैक्टर आज के डेट में 7250 मॉडल का नाम है और 50 HP की रेंज का ट्रैक्टर है। ये 3 सिलेंडर की गाड़ी है, इसमें हमारे पास मैनुअल स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग दोनों अवेलेबल है। अगर इसमें हम आगे वेट की बात करते हैं तो ये ट्रैक्टर में हमने कंपनी फिटेड 80 kg का बम्पर लगा रखा है और एयर फिल्टर इसकी जाली दिया हुआ है, ठीक है, एयर फिल्टर इसकी जाली है, और ये प्री एयर क्लीनर के साथ में है। इसमें ड्राई क्लीनर हम लोग लगा रखे हैं। आगे के टायर हम लोग इसका 7250 देते हैं। पीछे का टायर साइज हमारा जो है 14x28 रहता है। अब दोस्तों इसके हम पैडल पे चलते हैं, सीट पे थोड़ा सा बताते हैं चढ़ के। ये गाड़ी आपकी जो है डबल क्लच की गाड़ी है, इसमें डबल क्लच पाया जाता है, एडजस्टेबल सीट है, कंपनी फिटेड आपका ये है, इलेक्ट्रिक मीटर आपका है, इसमें आपको ट्रैक्टर के बारे में सारी चीज़ बताई जाती है कि ट्रैक्टर की स्पीड क्या है, कितने RPM पे चल रहा है, हैंड रेस है इधर, कार सिस्टम के जैसा इसका ब्रेक पैडल है और क्लच पैडल है। इसका ये असली साइड शिफ्ट गियर है पीसीडीसी लीवर के साथ में, और हमारी कंपनी ने कंपनी फिटेड जो है ये ट्रॉली लीवर लगा रखा है। जब ट्रॉली आप चलाएंगे तो आपको डीसी और पीसी को नहीं छेड़ना है, आप इसी से यूटिलाइज करेंगे। अगर इसके हाउजिंग की हम बात करते हैं तो एक ये बड़ी हाउजिंग के साथ कंपनी दे रखी है, इसका बड़ा हाउजिंग है बुल गियर के साथ में है, और ये दो वाल्व ट्रॉली फिट है, दो वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों वहीं इसके P2 HP की बात की जाए तो इसमें आपको मिलते हैं पूरे 44 HP की PTO। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के डायमेंशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 430 mm का इसमें देखने को मिल जाएगा। वहीं इसकी व्हील बेस की बात की जाए तो 1930 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। और इस ट्रैक्टर के वेट की बात की जाए तो इसमें आपको 2045 kg का आपको इसमें वेट देखने को मिलेगा। यदि आप ट्रैक्टर लोन पर खरीदना चाहते हैं तो आप डाउन पेमेंट और EMI की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर या हमारी वेबसाइट www.tractorkarwa.com को विजिट करें, वहां आप अपना नाम और नंबर दर्ज करें। इसके बाद हमारी ट्रैक्टर कारवा की टीम आपसे जल्द ही संपर्क कर आपकी पूरी सहायता करेगी। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंद।